बिजनौर के भोगपुर में ग्रामीणों ने एक गुलदार को खेत में घेर कर मार डाला है। हाल ही में इस गुलदार ने गांव के किशोर को मार डाला था। गुलदार की हत्या की खबर लगने पर कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। वहीं बच्चे की मौत के बाद लोगों में काफी गुस्सा था, जिस कारण ग्रामीणों ने सोमवार को गन्ने के खेत में गुलदार को घेर कर मौत के घाट उतार दिया। बच्चे को मारने वाले गुलदार को ग्रामीणों ने मारा। बच्चे की मौत के बाद लोगों में था गुस्सा। गुलदार 6 लोगों को बना चुका था अपना निवाला। गुलदार के हमले में 3 लोग हो चुके थे घायल। वन विभाग गुलदार को पकड़ने में हो चुका था नाकाम। बिजनौर में पिछले कुछ दिनों से गुलदार के आतंक से लोगों की नींद हराम हुई। गुलदार गांव में घुसकर कभी भी पालतू जानवरों को अपना निशाना बनाता था, ग्रामीणों को अपना निशाना बनाता था। आए दिन ऐसी घटनाओं से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल था। वन विभाग भी खतरनाक गुलदार के आतंक से गांव वालों को मुक्ति दिलाने में नाकाम था। आखिरकार इस खतरनाक गुलदार को पकड़ने के लिए गाँव वालों ने ही देसी जुगाड़ ढूंढा और गुस्साए ग्रामीणों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। गुलदार को लेकर लगातार गांव वालों की शिकायत के बावजूद वन विभाग और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। आखिरकार गांव वालों को ही गुलदार को पकड़ने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। गुलदार को फंसाने के लिए गांव के लोगों ने खेत में पुराना और देसी तरीका अपनाया। एक पिंजरे में बकरी को रखकर पिंजरे को पत्तों से ढक दिया। रात के अंधेरे में गांव वाले गुलदार के आने का इंतजार करने लगे। 2 से 3 दिनों तक गांव वालों के हाथ खाली रहे। आखिरकार सोमवार को गुलदार गांव वालों के बनाए जाल में फंस गए और गुस्साए ग्रामीणों ने गुलदार को बचकर निकलने का मौका नहीं दिया। ग्रामीणों ने गुलदार को मौत के घाट उतार कर ही दम लिया। रोहित त्रिपाठी, बिजनौर, R9 TV।